मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू इंटरमीडिएट साल दोम सबक नंबर एक मनाकिबे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अहम पैराग्राफ का सियाको सबाक और फिर उसके तशरीह तलब निकात का मुतालिया करेंगे। तो आइए बिला तख़ीर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले ये समझिए कि इस सवाल की बोर्ड में इबारत क्या होगी। तो सवाल की इबारत कुछ यूँ होगी कि दर्ज ज़ैल में से किसी एक पैराग्राफ की सियाको सबाक के हवाले से तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखिए। अज़ीज़ तलबा, ये कुल 15 नंबर का सवाल है और इस सवाल में आपसे चार बातें पूछी गई हैं। नंबर एक, मुसन्निफ़ का नाम, इसका एक नंबर होगा। नंबर दो, सबक का उन्वान, इसका भी एक नंबर होगा। नंबर तीन, सियाको सबाक, इसके तीन नंबर होंगे, जबकि नंबर चार तशरीह करेंगे आप और इसके 10 नंबर होंगे। कुल 15 नंबर का ये सवाल होगा। अज़ीज़ तलबा, सियाको सबाक होता क्या है और सियाको सबाक लिखा कैसे जाता है, इस हवाले से दो लेक्चर्स में बहुत तफसीली गुफ्तगू की जा चुकी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ये आई बटन में भी इसका लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो इस लेक्चर में बिला तख़ीर हम सबक मनाकिबे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का सियाको सबाक और फिर तशरीह तलब निकात पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, यहाँ एक बात और जहन में रखिएगा कि ये सियाको सबाक लिए जो आपको पैराग्राफ यहाँ लिखवाया जा रहा है, ये इस चैप्टर में से कोई भी पैराग्राफ अगर बोर्ड में सियाको सबाक के हवाले से तशरीह के लिए पूछा जाता है तो ये उसके लिए काफ़ी होगा। तो आप इस पैराग्राफ को अपनी कॉपी पर लिख लें और उसके बाद इसको याद कर लें। इस सबक से कोई भी पैराग्राफ आएगा, आपने उसके सियाको सबाक में इस पैराग्राफ को लिख देना है। अब ये सवाल हल कैसे करना है, सबसे ऊपर आप सवाल नंबर तीन लिखेंगे, उसके बाद इसके दो अज्जा अलिफ़ या बे में से जो जुज़ आप करना चाहते हैं आप उसका जुज़ नंबर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर जुज़ अलिफ़ लिखा है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे सबक का उनवान और आगे सबक का उनवान लिखेंगे मनाकिबे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। फिर आप हेडिंग देंगे मुसन्निफ़ का नाम और फिर आगे आप मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, दुरुस्त मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे अल्लामा शिबली नौमानी। और फिर उसके बाद आप अगली हेडिंग देंगे सियाको सबाक और फिर आप उसके बाद ये पैराग्राफ जो अभी यहाँ आपकी स्क्रीन पर शो होगा ये आप इसके सियाको सबाक में लिख देंगे। चुनाचे सियाको सबाक का आगाज़ करते हैं। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मज़हब के मुजस्सम तस्वीर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा खुदा की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक फ़ैसले किया करते थे। आपने ख़ानदान बनी उमैया के कब्ज़े में नाजायज़ ज़मीनें उनके असल मालिकान को वापस करने का इरादा किया तो पूरा ख़ानदान बरहम हो गया। चुनाचे पहले उलमा और फिर अपने बेटे से मशवरा करने के बाद आपने ज़मीनों की वापसी का आगाज़ ख़ुद अपनी ज़ात से किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने आवाम को हुकूमती पॉलिसियों पर नुक्ता चीनी के लिए आम इजाज़त दे रखी थी। आप अक्सर गैर मुस्लिमों के यहाँ मेहमान रहते थे और आपने सलातीन बनी उमैया के बरक्स विरासत में कुल 17 दिनार छोड़े। अज़ीज़ तलबा, ये इस सबक में से किसी भी पैराग्राफ का सियाको सबाक होगा। आइए अब तशरीह तलब निकात पर बात करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बनो उमैया के ख़ानदान बनो उमैया के 8वें हुक्मरान थे या 8वें खलीफ़ा थे। आपको आपकी नेक सीरती के बाइस 5वां खलीफ़ा राशिद भी कहा जाता है, जबकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफ़ा सालेह के नाम से भी मशहूर हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तबन सालेह और नेक थे। इसकी निशानदेही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस्ताद सालेह बिन किसान एक मुलाकात में यूं कर चुके हैं। आप फरमाते हैं कि मुझे किसी ऐसे आदमी का इल्म नहीं जिसके दिल में अल्लाह ताला की अजमत इस लड़के यानी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से ज़्यादा हो। 707 ईस्वी में वलीद बिन अब्दुल मलिक के कहने पर आपने मदीना मुनव्वरा की गवर्नरी इस शर्त पर कबूल की कि वो अपने पेशरो हुक्मरानों की तरह लोगों पर जुल्म और ज़्यादती ना करेंगे, और वलीद ने भी इस शर्त को कबूल किया और कहा कि आप हक पर अमल कीजिए गो हमको एक दिरहम भी वसूल ना हो।
چنانچہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو اکابر فقہا کو جمع کر کے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسے کام کے لیے طلب کیا ہے جس پر آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اور آپ حامی حقدار قرار پائیں گے۔ میں آپ لوگوں کی رائے اور مشورہ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، بس آپ لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ لوگوں میں سے کسی کو میرے عامل کے ظلم کا حال معلوم ہو تو میں خدا کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھ تک اس معاملے کو ضرور پہنچائے۔ اگرچہ عمر بن عبدالعزیز نے تقرری کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ وہ گزشتہ والیوں کی طرح ظلم نہ کریں گے، لیکن بنی امیہ کا نظام کچھ ایسا تھا کہ یہ شرط قائم نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے ایک روایت ہے کہ حجاج کی شکایت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا گیا، اور دوسرا بیان یہ بھی سامنے آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے خبیب کو، جو بنی امیہ کے مخالفین میں سے تھے، ولید کے حکم سے مجبور ہو کر سزا دی جس کے صدمہ سے وہ مر گئے۔ اس کی ندامت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی مدینہ منورہ کی گورنری سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 718 عیسوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد رجا بن حیاخ کے مشورے سے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے کافی خوف زدہ تھے۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا اور آپ خود اس کے خواہش مند نہ تھے۔ آپ کے نزدیک خلافت جو ہے وہ موروثی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک جمہوری ادارہ ہے، لہذا سلیمان کے دفن کرنے کے بعد آپ مسجد میں آئے، ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردن میں ہے خود اسے اتارے دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ یہ تقریر سن کر سب نے بلند آواز سے کہا کہ ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کر لیا اور آپ سے راضی ہو گئے۔ اور عزیز طلبہ، تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی عمر بن عبدالعزیز بالکل بدل گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 2.5 سالہ جو اقتدار تھا، جو حکومت تھی یا جو خلافت تھی، اس کے اندر ٹھیک اسی اسوہ اور ٹھیک اسی نمونہ پر عمل کیا جو خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد چھوڑ کر گئے تھے، اور اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور بے شمار ذمہ داریوں سے عہدہ بر آں ہونے کے لیے کمر کس لی، وہیں آپ نے خاندان بنی امیہ کے قبضے میں جو ناجائز زمینیں تھیں، جو ان کی اپنی جاگیریں نہ تھیں بلکہ عام رعایا اور عام عوام کی تھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کینچی سے کتر کتر کر ان کے جو دستاویزات تھیں، ان کے جو کاغذات تھے یا ان کی جو رجسٹری تھی، وہ کتر کتر کر پھینک ڈالیں، اور زمین نے اپنے خاندان اور اپنے خود اپنی ذات کے قبضے سے، اپنے بچوں کے قبضے سے نکال کر جو ان کے اصل مالکان تھے ان کو واپس کیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز خود کہا کرتے تھے اور کہ ان کے اباؤ اجداد کے جو افعال تھے وہ حرام ہیں، اسی وجہ سے تمام خاندان حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برہم ہو گیا۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز بیت المال کا تحفظ، بیت المال کے مصارف کا تعین، ذمیوں کے حقوق، رعایا کی خوشحالی، رفاہ عام کے کام، مذہبی تعلیم کی اشاعت اور اسلام کی اشاعت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمایاں کارناموں میں شمار ہوتے تھے۔ اور عزیز طلبہ، جیسا کہ بیان کیا جا چکا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے خاندان کے ناجائز قبضے میں جو زمینیں تھیں وہ ان کے اصل مالکان کو واپس کر دیں، تو پھر خاندان بنی امیہ میں سے ہی کچھ قریبی لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم بھی تھا کہ یہ زہر کس نے دیا، لیکن آپ نے اس راز کو فاش نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کچھ عرصہ بیمار رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔
आप रज़ी अल्लाह तआला के अहल व आयाल के मुतालिक मुस्लिमा ने आपसे कहा कि अमीर अल मोमिनीन, आपने हमेशा अपनी औलाद का मुंह इस माल व दौलत से खुश रखा और उनको ऐसी हालत में छोड़े जाते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने अपने लड़कों को बुला लिया और उनसे नम आँखों के साथ इरशाद फरमाया कि मेरी जान तुम पर कुर्बान, जिनको मैंने खाली हाथ छोड़ा, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैंने तुमको अच्छी हालत में छोड़ा। मेरे बच्चों, तुम किसी ऐसे अरब और ज़िम्मी से ना मिलोगे जिसका तुम पर हक हो। बच्चों, दो बातों में से एक बात तुम्हारे बाप के इख्तियार में थी। एक ये कि तुम दौलतमंद हो जाओ और तुम्हारा बाप दोजख में जाए, दूसरे ये कि तुम मोहताज रहो और तुम्हारा बाप जन्नत में दाखिल हो। इन दोनों में से इसको ये ज़्यादा पसंद था कि तुम मोहताज रहो और वह जन्नत में चला जाए। और अज़ीज़ तलबा, तारीख ने ये दिन भी देखे कि बनी उमैया के वो बच्चे जिनको करोड़ों दिनार उनके आबाओ अजदाद से विरासत में मिलते थे, वो जामिया मस्जिद दिमश्क के बाहर भीख मांगा करते थे, जबकि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बच्चे, जिनके लिए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कुछ भी छोड़ कर नहीं गए थे, वह उसी जामिया मस्जिद दिमश्क के बाहर एक एक नमाज के बाद 80-80 ऊँट सदका किया करते थे। और जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वफात पाई तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने एक ज़िम्मी से, एक गैर मुस्लिम से ख़बर के लिए ज़मीन ख़रीद दी। उसने कीमत लेने से इनकार कर दिया कि ये तो मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरी ज़मीन में आप रज़ी अल्लाह तआला अपना मज़ार बनाना चाहते हैं। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने उसको कबूल ना किया और कीमतन वो ज़मीन उससे ख़रीद दी और फिर उसको अपने मकबरे के लिए या अपनी कब्र के लिए उसको मुख्तस किया। जब आप रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात का वक्त करीब आया, जब जान निकल रही थी, तो आप रज़ी अल्लाह तआला की ज़ुबान पर ये आयात जारी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदुना उलुवन फिल अर्ज़ वला फसादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। यानी ये आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो ज़मीन में ना बरतरी चाहते हैं और ना फसाद करते हैं, और आकिबत यानी आखरत की ज़िंदगी वो असल में परहेज़गारों के लिए है।